जय भोलेनाथ। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ टूर के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप केदारनाथ टूर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने साथ रखना ज़रूरी है। और ये जिन चीज़ों का नाम मैं अभी बताऊंगा, इन चारों चीज़ों को आप लाइटली बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर चुके हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लेना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब भी हो सकती है उस टूर पर। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों, वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होता होगा, लेकिन जब आप केदारनाथ जाओगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर माइनस में भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ले जाना ज़रूरी हैं। आपको एक वूलन जैकेट लेनी है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी की आप ले लो थोड़े पैसे बचाने के लिए, क्योंकि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो। नेक्स्ट है वूलन कैप। उसके बाद आप एक हैंड ग्लव जरूर ले लो जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो, पावर बैंक, उसके बाद आप एक टॉर्च भी रख सकते हो। नेक्स्ट है वाटर बोतल। आप ऐसी वाटर बोतल ले जाना, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी जो कि ठंड और गर्म दोनों रखता हो पानी को। नेक्स्ट है थर्मोकॉट, जो कि आप अंदर पहन लो, उसके बाद आप गर्म कपड़े पहन सकते हो, और लोअर और अपर दोनों का आप थर्मोकॉट ले सकते हो। उसके बाद कपूर भी आप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते उन्हें थकावट होने लगती है और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, तब उनका ये कपूर जो है वो काफ़ी साथ देगा। आप कपूर को किसी रुमाल में बांध कर सूंघ सकते हो, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफें ना झेलनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बात और, अगर आप यंग हो तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये थोड़ा अजीब आपको भले लग सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप कभी वहाँ जा रहे हो तो उसके पहले आप थोड़ा रनिंग का प्रैक्टिस ज़रूर कर लो। मतलब कि एक मंथ के लिए आप रनिंग प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, अगर कर सकते हो तो कर लेना ज़रूर, जिससे कि आपको थोड़ा सा रनिंग का और चलने का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको चढ़ने में उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और दोस्तों उसके बाद आप एक रेन कोट लेना बिल्कुल ना भूलें। आपको एक रेन कोट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का रखना है, क्योंकि जिस जगह पर आप जा रहे हो वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, उससे आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, और कभी कभी तो वहाँ पे 7-7, 8-8 घंटे बारिश भी होती है, तो आपको बारिश का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए रेन कोट ज़रूर रखें। और छाता आप बिल्कुल ना ले जाएं। अगर आप छाता ले जाने की गलती करते हैं तो आप अपने लिए भी जोखिम डालते हैं और दूसरों को भी, क्योंकि छाता अगर आप पकड़ते हो तो किसी में वो टकराता है बार बार, तो इससे आपको भी तकलीफ़ होती है और उनको भी। तो यही ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक रेन कोट ले लो। और थोड़ी बहुत आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो अपने साथ, और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक भी, क्योंकि आपको ऊपर में एनर्जी ड्रिंक या फिर ड्राई फ्रूट्स ये सब कुछ मिलेगी नहीं, सिर्फ खाना मिलेगा, वो भी काफ़ी सिंपल सा। और आप एक पेन रिलीफ स्प्रे भी ज़रूर रख लें, क्योंकि आपको कब वहाँ पे अचानक से दर्द होने लगे उसमें भी आपको पेन स्प्रे रिलीफ काफ़ी देने में हेल्प करेगा। और लास्ट में आप ये काम कर लें कि आप कुछ मेडिसिन ज़रूर रख लें, पैरासीटामोल्स या फिर कुछ सर्दी और खांसी के लिए, क्योंकि अचानक से जब मौसम चेंज होती है तो आप लोगों में से कुछ लोगों का तबीयत भी ख़राब हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आप तो कुछ आप बेसिक नीड्स की मेडिसिन ज़रूर रख लें। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।